रायबरेली ग्रामीणों के लाभ के लिए बीओबी के कैंप में 8,900 आवेदन पहुंचे। रायबरेली में बैंक ऑफ बड़ौदा ने पीएमजेजेवीआई और पीएमएसवीवीआई के तहत भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे सैचुरेशन ड्राइव कैंप के अंतर्गत हरचंदपुर ब्लॉक में 4 शाखाओं के माध्यम से व बटोही रिसोर्ट में 10 शाखाओं के माध्यम से कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें एसएलबीसी की संयोजक व बैंक ऑफ बड़ौदा के महाप्रबंधक राजेश कुमार सिंह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उन्होंने सैचुरेशन ड्राइव के अंतर्गत बैंक द्वारा लगाए जा रहे विभिन्न कैंपों का जायजा लिया और कैंप में उपस्थित लोगों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना व प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लाभ के बारे में बताया। वित्तीय समावेशन प्रमुख प्रतीक कुमार ने बताया कि कैंप के माध्यम से लगभग 8,900 आवेदन इकट्ठा हुए। इसके अतिरिक्त गुरुबख्शगंज शाखा के बीसी आशीष सिंह ने 400 से अधिक लोगों को इस योजना से जोड़ा। कैंप में उप क्षेत्रीय प्रमुख सुरेश कुमार, क्षेत्रीय प्रमुख राम और विनय कुमार सिंह भी ग्रामीणों को भारत सरकार की लाभकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। मंडल क्राइम ब्यूरो चीफ लखनऊ अंशु श्रीवास्तव। मैं राजेश कुमार सिंह, जनरल मैनेजर बैंक ऑफ बड़ौदा, कन्वेनर स्टेट लेबर बैंकर्स कमेटी उत्तर प्रदेश। आज हरचंदपुर ब्लॉक में एक कार्यक्रम से सैचुरेशन ड्राइव जो जन सुरक्षा अभियान के तहत है, जिसमें पीएमजेजेवाई और पीएमएसवीवाई के तहत हर एक परिवार को जोड़ने का जो मुहिम भारत सरकार ने चलाया है, उसी के तहत एक कैंप का आयोजन किया गया है। हमें खुशी है कि रायबरेली जिला लगभग 60% तक इस कार्यक्रम में अपना योगदान दे चुकी है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है, पहला उद्देश्य था कि लोगों तक संपर्क स्थापित किया जाए। इसके तहत सभी जो लगभग 988 ग्राम पंचायत हैं इस ज़िले में, उन 988 ग्राम पंचायतों में इस तरह का कैंप का आयोजन किया जाए। उसके तहत उन लोगों को पीएमएसबीवाई प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे लाभ के बारे में बताने और उनसे जोड़ने का कार्यक्रम है। इसी के तहत आज ये कार्यक्रम किया गया और हमें खुशी है कि आज इस कार्यक्रम के आयोजन पे लगभग 2200 से ज़्यादा लोग इस सुरक्षा जो कवच है, सुरक्षा चक्र है, उसमें उसके अंतर्गत आए हैं। और अभी अभी जो सूचना मिली है कि एक विषय बंधु आशीष सिंह ने लगभग अपने एक सेंटर पे जो आयोजन किया और लगभग 400 से ज़्यादा एप्लीकेशन और लोगों को इसमें ऑनबोर्ड किया है। मेरा पूरा उम्मीद है कि ये आज के कार्यक्रम इस गति को नई आयाम देगी और जो उद्देश्य है भारत सरकार का कि 30 क्षेत्र तक इसको 100% लोगों को इस धारे में लाने का, उसको पूर्ण करने में एक सहायक साबित होगी। धन्यवाद। आज जो कार्यक्रम की शुरुआत है वो जन सुरक्षा योजना के अंतर्गत संतृप्तिकरण, जिसको सैचुरेशन ड्राइव कहते हैं हम लोग, के सैचुरेशन ड्राइव का नो डाउट 1 जून से स्टार्ट होता है और 28 जून तक का एक अभियान जो चल रहा है उसमें हम लोगों को इंक्वायरी करना है। लेकिन मैं संक्षिप्त ये बताना चाहता हूँ सर कि इस जो वित्तीय वर्ष है जो 23-24 की जो अनुरूप मैं बताऊँ कि हमारी विशेष साथी वो हमारे क्षेत्र में हमारी पूरी प्रति FI इंचार्ज के साथ में हमने कार्यक्रम कहता हूँ ये तकरीबन जो है मार्च के महीने में हमने एक प्रोफेशनल एक भवन को बुलाया था और वो मोटिवेशनल स्पीच हमने दिलवाया था। आई थिंक मुझे लगता है कि इवेंट में पहली बार हुआ था कि हमारे कर्मियों को प्रोफेशनल स्पीच को मैं इंटर बुलाया था। मैंने लखनऊ से बहुत धन्यवाद उन लोगों को जानकारी होगा अपनी सकता हूँ उन लोगों को बहुत धन्यवाद जो डॉक्टरेट थी मैडम उनको बुलाया कि आप लोगों के साथ हमने किया था। उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि इस वित्तीय वर्ष में हमारे जो प्रथम प्राथमिकता होगा वो हमारी विशेषज्ञ हमारी बैंक की सहायता में और देश की सहायता में सहयोग करें और जन कल्याण की जितनी सारी योजनाएँ चल रही हैं उसमें आगे उनका निमा है। जिसके तहत 1 अप्रैल 2023 को हमारे रीजन में संकल्प अभियान नंबर 1 की हमने शुरुआत किया और संकल्प अभियान नंबर 1 में 1 अप्रैल 26 अप्रैल तक हमने चलाया। इसमें कई सारे कार्यक्रम हुआ, हमने कई सारे विशेषज्ञों के मदद से छोटे छोटे FDR का अकाउंट ओपनिंग का हमने ये कार्यक्रम करवाया था, इसी तरह सुरक्षा बीमा